हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्रॉड जॉब्स गाइड। गाइस, आज मैं आप लोगों को कतर में, अगर आप लोग आज़ाद वीज़ा में आ रहे हो तो आपको रहने के लिए, मतलब एक महीना अगर कतर में आप स्पेंड करोगे तो आपको कितना पैसा एक महीनों में खर्चा होगा, मतलब रहने का, खाने का, उसके बारे में मैं सोचा आप लोगों को फुल डिटेल्स बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारा लोग मेरे को कमेंट करता है, वो लोग आज़ाद वीज़ा में आना चाहता है। तो अगर आज़ाद वीज़ा में आएगा तो उसको एक महीनों में कितना पैसा एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। तो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हमेशा इसे वीडियो लेके आता हूँ, और नोटिफिकेशन को ऑन करो। उसके बाद आप लोगों को अगर कोई भी वीडियो मैं डालेगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आएगा। तो गाइज़, अगर आप लोग आज़ाद वीज़ा में आ रहे हो तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज में रहना चाहिए कितना पैसा एक महीने में आप लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा पर मंथ, क्योंकि अगर उस हिसाब से आपको इंडिया से सोच के आना पड़ेगा, इंडिया से या नेपाल से या बांग्लादेश से, आप किधर से भी हो, उस हिसाब से आपको सोच के आना पड़ेगा कितना पैसा आपको एक महीने में जा रहा है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को कतर में रहने के लिए कितना पैसा चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कतर एक बहुत कॉस्टफुल कंट्री है गाइस, बहुत कॉस्टफुल। अगर आप कतर में रहने के लिए सोच रहे हो तो इधर रहने के लिए बहुत महंगा है। तो अगर थोड़ा आप लोग सिटी से थोड़ा दूर, मतलब थोड़ा बैकवर्ड साइड पे रहोगे, तो आपको एक महीनों में आपको 300 रियल तक, 400 रियल तक आपको रहने के लिए बेड मिल जाएगा। 300 से 400 रियल में बेड मिल जाएगा, मतलब एक रूम रहेगा, उधर चार पांच आदमी रहेगा, उस हिसाब से एक साथ आपको शेयरिंग करके रहना पड़ेगा, क्योंकि इधर आप अगर सिंगल रूम लोगे तो आपको महीनों में कम से कम 2,500-3,000 रुपया रियल लगेगा, या इंडिया का 60,000 हो रहा है, लेकिन इतना पैसा आप स्पेंड नहीं कर पाओगे एक महीनों में। तो अगर आप थोड़ा तीन चार आदमी एक साथ अगर रहना चाहते हो तो आपको 300-400 रियल में हो जाएगा, अच्छा रूम मिलेगा, लेकिन एक बेड मिलेगा, उसके अंदर आप तीन चार आदमी एक साथ रह सकते हो, ऐसा आपको रहना पड़ेगा अगर आप काम ढूंढने के लिए आ रहे हो। उसके बाद गाइस आता है खाना। अगर आप खाने के बारे में अगर मैं बोलूं तो कम से कम आपको, अगर आप ब्रेकफास्ट नॉर्मल लंच, मतलब एक आदमी चावल रोटी जो खाता है, ऐसा नॉर्मल खाना, और ना रात में भी ऐसा नॉर्मल कोई हाई फाई खाना नहीं है, नॉर्मल अगर आप रहने के लिए जितना खाना वाना, अगर चिकन, मटन या फिश या मछ और चावल दाल वगैरह, नॉर्मल जो हम लोग खाता है, ऐसा नॉर्मल खाना अगर आप लोग तीन टाइम मिला के, आपको एक महीना में कम से कम आपको 300 रियल मिनिमम चाहिए, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि 300 रियल एक महीनों में आपको खाने के लिए स्पेंड करना पड़ेगा, खाना 300 रियल मस्ट। उसके बाद गाइस रहता है, अगर आप लोग, बहुत सारा आदमी ऐसा है थोड़ा बहुत सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो उन लोगों के लिए मैं गाइस बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग, पहले मैं बोलूँ स्मोकिंग मत करो, क्योंकि इधर स्मोकिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो कतर में सिगरेट का प्राइस बहुत हाई है। अगर आप एक सिगरेट का पैकेट लोगे तो आपको कम से कम 15 रियल, मतलब कतर का 15 रियल मतलब इंडिया का 300 रियल, 300 रुपया से ऊपर हो रहा है एक सिगरेट का पैकेट का प्राइस, तो ये पैसा आपको एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, आप काम के लिए आ रहे हो, काम ढूंढने के लिए, तो अगर ऐसा स्पेन करोगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोल रहा हूँ। एक सिगरेट का प्राइस इधर होता है 15 रियल, 15 रियल मतलब इंडो का 300 रुपया से भी ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आप लोग काम के लिए आ रहे हो, काम ढूंढने के लिए, तो आपको खाने से, रहने से अलावा आपको ट्रैवलिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करोगे, बहुत सारा एजेंसी में जाओगे या ऑफिस में जाओगे, जिधर आपको जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। तो अगर आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंटरव्यू के जाने के लिए इधर टैक्सी में जाना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी बस अवेलेबल होता है, लेकिन अगर मैं और जगह, हर जगह पे आपको बस नहीं मिलता है तो आपको टैक्सी में जाएगा, लेकिन टैक्सी इधर का प्राइस मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। इधर का पेट्रोल बहुत सस्ता होता है, लेकिन प्राइस जो टैक्सी का फीस है वो बहुत हाई है। अगर आप इंडिया के हिसाब से कंपेयर करोगे तो अगर आप इधर से 30 किलोमीटर किधर भी जाओगे, 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, आपको 10 रियल, 15 रियल, 20 रियल करके फीस देना पड़ेगा, तो वो उस हिसाब से आपको महंगा ही पड़ेगा। अगर आप
थोड़ा बहुत दूर जा रहे हो तो आपको कम से कम 60 रियल तक आपका टैक्सी फी होता है, ठीक है। मतलब एक किलोमीटर में इधर एक रुपया एक रियल लेता है एक किलोमीटर में। इधर मेन है ट्रैवलिंग का फीस बहुत हाई है, क्योंकि आप अगर सिर्फ रहने के लिए खाने के लिए आपको महीने में 700 रियल से ऊपर जाएगा सिर्फ खाने का रहने का, उसके बाद आपको ट्रैवलिंग भी होगा, उसके बाद आपका पॉकेट मनी भी होता है थोड़ा बहुत, तो सब मिला के आपको 800-900 हज़ार तक मिनिमम आपको एक महीनों में स्पेंड करना पड़ेगा। ये है आपका बेसिक, मैं नॉर्मल बताया गाइस। तो गाइस अगर आप लोग सोच रहे हो कतर में आओगे तो 1000 रियल आपका एक महीने का पकड़ के आपको आना पड़ेगा। 1000 रियल मतलब इंडिया का 22,000 अभी हो रहा है, तो इतना होगा आपका एक्सपेंड एक महीनों में इधर रहने के लिए खर्चा, रहने का, खाने का, घूमने का, पूरा एक महीने का इतना खर्चा होता है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।